हे गाइस, आप सभी का स्वागत है स्टार्ट एंड्रॉयड पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप कोई सा भी जब एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एप्लीकेशन के लिए लाइसेंस कंपलसरी है और कौन सा एप्लीकेशन के लिए लाइसेंस नहीं कंपलसरी है। दोस्तों, आपको ये भी बात पता होना चाहिए कि लाइसेंस अगर हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो कौन कौन सा वो उस टाइप का एप्लीकेशन है, कि कौन से कैटेगरी की जो एप्लीकेशन है उनके लिए लाइसेंस आपको कंपलसरी लेना पड़ेगा और कौन से ऐसे एप्लीकेशन नहीं है जिसके लिए एप्लीकेशन के लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि कौन से एप्लीकेशन के लाइसेंस आपको कंपलसरी नहीं है। और दोस्तों, मैं इसलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि आगे जाके आपको सारी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही पता होना चाहिए एप्लीकेशन बनाने से पहले। लेकिन सम टाइम क्या होता है, मान लीजिए आपको पता ही नहीं है, आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, चाहे वो मेडिकल का हो गया या कोई ग्रोसरी एप्लीकेशन हो गई, वॉट एवर कोई भी एप्लीकेशन अगर मैं बात करना चाहता हूँ एग्जांपल में, तो मान लीजिए अगर आपको उस एप्लीकेशन के बारे में सिर्फ पता है कि हाँ मुझे ये एप्लीकेशन बिल्ड करना है, लेकिन दोस्तों आपको ये नहीं पता कि उस एप्लीकेशन का मुझे लाइसेंस कंपलसरी लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट का मुझे अप्रूवल चाहिए कि नहीं चाहिए, आप क्या करेंगे किसी भी डेवलपर को पेमेंट करके उस एप्लीकेशन को आप क्या करेंगे बिल्ड कर लेंगे। आपने मान लीजिए कोई 25,000 का एप्लीकेशन बनाया, लाइसेंस पूरा परचेस कर लिया है, मतलब सर्टिफिकेट जो होती सारी चीज़ें ले ली, एप्लीकेशन भी 25,000 बन गया, कि दोस्तों आपको ये नहीं पता है कि हाँ मैंने गवर्नमेंट से इस एप्लीकेशन के लिए तो कोई अप्रूव लिया ही नहीं है, कोई भी मेरे पास लीगली पेपर नहीं है कि इस एप्लीकेशन को मतलब मैं मार्केट में चला सकता हूँ कि नहीं चला सकता हूँ। मान लीजिए किसी ने मेरे एप्लीकेशन के ऊपर कोई उंगली उठा रहा है, कोई पूछ रहा है कि सर आपने ये एप्लीकेशन बनाया है, तो आप इसके ऑथर तो ये बात सही है, लेकिन आप जो ये सारी चीज़ें सेल कर रहे हैं मार्केट में, क्या आपने गवर्नमेंट से परमिशन ली है? तो दोस्तों उस टाइम पर आपको पछतावा ना हो कि नहीं ये सारी चीज़ें मैंने पहले क्यों नहीं सोची, तो उससे क्या होगा, आपका जो 25,000 रुपये जो आपने एप्लीकेशन में डाला है वो वेस्ट होने से बच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ कि कौन से एप्लीकेशन के लिए कंपलसरी नहीं है आपको गवर्नमेंट की अप्रूव लेने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों, एप्लीकेशन नाम है पबजी टूर्नामेंट। पबजी टूर्नामेंट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि टूर्नामेंट एप्लीकेशन में क्या होता है, वहाँ पे गूगल पे, फ़ोन पे और आपके जो पेटीएम होते हैं उनकी यूपीआई आईडी वहाँ पे यूज़ करके पेमेंट के ट्रांजेक्शन रखते हैं और वहाँ पे आपको कोई भी गवर्नमेंट से अप्रूव लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। पबजी टूर्नामेंट आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे दोस्तों आता है वीडियो स्टेटस। आप जो वीडियो स्टेटस हो गया या कोई इमेज का हो गया या कोई रिंगटोन एप्लीकेशन, जो इस टाइप के एप्लीकेशन होते हैं जिनमें सिर्फ एडसेंस के थ्रू, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है आपको एडसेंस के थ्रू जो इनकम होती है, इस पर भी दोस्तों आपको गवर्नमेंट की कोई भी आपको पेपर डॉक्यूमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ता है। इसमें करना क्या होता है, जिस कंपनी से आप एप्लीकेशन बनवा रहे हैं बस उससे इनवाइस ले लीजिए कि हाँ इस एप्लीकेशन के लिए आपने इतना पेमेंट किया है, आप इस एप्लीकेशन के ऑथर हो, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हट गई। अब यहाँ पे मुद्दे पे दोस्तों ये आता है कि आपको किस एप्लीकेशन के लिए जो एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं, कौन से एप्लीकेशन के लिए आपको मतलब गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ती है। दोस्तों सबसे पहले उसमें आता है ग्रोसरी एप्लीकेशन। ग्रोसरी एप्लीकेशन में दोस्तों मान लीजिए अगर आप सिंगल वेंडर बना रहे हैं, ठीक है, सिंगल वेंडर बना रहे हैं मतलब मैं खुद के लिए बना रहा हूँ, ना कि मैं मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करने वाला हूँ। मान लीजिए मेरा जो एरिया है, मैं अभी पुणे में रहता हूँ, ठीक है, तो पुणे में दोस्तों अगर मैं अगर ग्रोसरी सेल कर रहा हूँ, जो भी एरिया में सेल कर रहा हूँ, वहाँ पे कंपलसरी नहीं लगता है, ठीक है, सिंगल वेंडर के लिए कंपलसरी नहीं है कि अब करें, लेकिन आपका ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा मार्केट ज़्यादा ही ग्रो हो रहा है, मैं ज़्यादा ही ज़्यादा एरिया कवर कर रहा हूँ, अब मुझे मेरे जो डेली के जो ट्रांजेक्शन है, डेली के 1,80,000 1.5 लाख जो डेली ट्रांजेक्शन मेरे अकाउंट में आ रहे हैं, तो कोई के जो आपके बैंक वाले वो भी आप उंगली ना उठा कि इतना पैसा डेली कहाँ से आ रहा है, छोटे छोटे अमाउंट में पैसा आते हैं ना वो, तो वहाँ पे दोस्तों आपको एक पेपर आप जाके वकील से बनवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे कि कोई मुझे मल्टी वेंडर ग्रोसरी एप्लीकेशन चाहिए, मल्टी वेंडर में क्या होता है आप काफ़ी सारे स्टोर को अपने साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सारे स्टोर को अपने साथ लेके चल रहे हैं, पुणे भी कवर कर सकते हैं, मुंबई कवर कर सकते हैं, पुणे में कितने सारे सिटीज़ होते हैं उनको भी कवर करके दुकानों को एक साथ क्लैप करके वेंडर बना के चलना चाहते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों आपको कंपलसरी वहाँ पे लाइसेंस लगता ही लगता है और गवर्नमेंट जो होती है उनकी भी अप्रूव लगती है। और दोस्तों गवर्नमेंट की जो अप्रूव होती है ये नहीं कि आपको ज़्यादा तामझाम करना पड़ता है, वो भी इजीली मिल जाता है। आप किसी भी एक वकील के पास जाएंगे, अपने एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, सर मैं ये एप्लीकेशन इन डेवलपर्स बनाया हूँ और मार्केट में ये चीज़ें मैं सेल करना चाहता हूँ, तो उसके लिए वो आपको वहाँ से लाइसेंस प्रोवाइड कर देते हैं। और वो वहाँ पे कंपलसरी इस लगता है, मान लीजिए कोई मल्टी वेंडर है, ठीक है, अब वहाँ पे गए तो उस स्टोर वाले जो कहते तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो मार्केट है एप्लीकेशन वो स्प्लिट हो रहा है, मतलब फैल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कोई ये ना पूछे दुकानदार के पास, आप गए आपके पास सारे पेपर, लेकिन अगर दुकानदार पूछ रहा है कि सर आप इसको जो सेल कर रहे हैं आप हमें से जोड़ रहे हैं, इसके लिए गवर्नमेंट से कोई अप्रूवल लिए कि नहीं लिए, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे ना हो इसलिए आपको कोई वकील से मिलके वहाँ पे आप उसका गवर्नमेंट के अप्रूव के लिए लाइसेंस वहाँ पे कंपलसरी कर सकते हैं। वो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन
सिस्टम वहाँ से दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं मेडिसिन के बारे में, मेडिकल। ठीक है, जो दोस्तों मेडिकल तो दोस्तों आपको कंपलसरी लेना ही पड़ेगा। मेडिसिन में दोस्तों क्या होता है, मेडिकल अगर मान लीजिए मेडिकल के ऊपर आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, उसमें मेडिसिन सेल करते हैं, तो दोस्तों आप एक डॉक्टर होना चाहिए, ना तो कोई आपकी मेडिकल की शॉप है तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए दोस्तों। ये सारी चीज़ें होंगी तो ही दोस्तों आप उसका एप्लीकेशन बनवाइएगा। ना तो दोस्तों काफ़ी लोग क्या सोचते हैं, मैं कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन या कोई ग्रोसरी एप्लीकेशन बना लेता हूँ, मैं डेवलपर को नहीं बताऊँगा, मैं उसके सारी चीज़ें मैं इनबिल्ड करूँगा। दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी ही ज़्यादा लॉस में सारी चीज़ें जा सकती हैं, तो इतना ज़्यादा ही दिमाग ना यूज़ कीजिएगा। ठीक है, अगर आप कोई मेडिकल है, आपका कोई मेडिकल है, आप उसमें दवाइयाँ सेल करना चाहते हैं, तो दोस्तों आपके पास कंपलसरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एक भी गलती से दवाई किसी को भी रॉन्ग गई तो दोस्तों आप सोच भी नहीं सकते, आपको काफ़ी अच्छी खासी जेल हो सकती है। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें मैंने बता दी। अब दोस्तों यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्या आता है, रमी एप्लीकेशन, लूडो एप्लीकेशन, तीन पत्ती एप्लीकेशन, इनमें भी लाइसेंस आपको लगते हैं, लेकिन कब लगते हैं कि आपके डेली के जो ट्रांजेक्शन होते हैं 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, डेली के ट्रांजेक्शन इतने हैं तो दोस्तों आपको इस पर गवर्नमेंट का अप्रूव लेनी पड़ती है। अदरवाइज आपके 50,000 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 1 लाख आते तो दोस्तों इतना जल्दी नहीं है। अगर 1 लाख आपको डेली के ट्रांजेक्शन चाहिए तो दोस्तों आपके एप्लीकेशन को कम से कम 10 मिलियन, 5 मिलियन डाउनलोड चाहिए, उसमें भी एक्टिव यूज़र चाहिए जिसपे आपको इतनी इनकम डेली की हो। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि 5 लाख के ऊपर आपका ट्रांजेक्शन जा रहा है डेली का, तो आप गवर्नमेंट से अप्रूव ले सकते हो, अदरवाइज उस पर भी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कट बताया है कि कौन सा एप्लीकेशन के लिए आपको लाइसेंस कंपलसरी है और कौन सा एप्लीकेशन को लाइसेंस नहीं कंपलसरी है। तो इस दोस्तों वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो मैंने आपको बातें सारी बताई है इसको भी अच्छे से एक बार नोटिस करके एप्लीकेशन कोई भी बिल्ड कीजिएगा। तो आई होप दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।